वहीं अयोध्या के इस ऐतिहासिक फैसले पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको सुनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, ये फैसला किसी एक समुदाय की जीत और हार के रूप में देखना छोटी बात होगी। ये भारत के सम्मान की विजय है, ये भारत के स्वाभिमान की विजय है और ये भारत की आस्था की विजय है। आज जिस तरह बाबर के सेनापति मीर बाकी के बनाए हुए ढांचे के अस्तित्व को उस जगह नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक विदेशी के द्वारा हमारे ऊपर विजय के चिन्ह को नकारा है। हम इस बात को समझें कि बच्चे बच्चे के भीतर जो पराभव की भावना आती थी, उस ढांचे की याद करके कि हमारे पुरखे इतने कमज़ोर भी थे क्या कि कोई बाहरी लोग आए और वहाँ पर राम जी का मंदिर तोड़कर एक स्मारक बना दिया। अदालत ने आज रामलला जी को गर्भगृह की जगह देकर और जिस विश्व हिंदू परिषद ने दशकों तक लड़ाई लड़ी है उसके राम जन्मभूमि न्यास को बाकी का क्षेत्र देकर ये साबित कर दिया कि जो लड़ाई हम अदालत की चौखट पर लड़ रहे थे, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, अदालत ने भारत के उन पौराणिक तथ्यों पर भी मोहर लगाई है। सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।